हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल 11th फिजिक्स का आपके लिए लेके आए हैं। तो प्लीज़ नोट्स बनाते रहें, साथ साथ लिखते रहें, लिखेंगे तभी समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, आपका चैनल इसको सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें और हमारे साथ बने रहें। चलिए न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं। देखिएगा स्टेटमेंट क्या न्यूमेरिकल की, उन्होंने हमसे पूछा है ए फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, एनी कोई भी, जैसे वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, या इलेक्ट्रिकल करंट है, या फिर हमारे पास सरफेस टेंशन है। मैनी मैनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वो कोई भी हो सकती है। हमने जनरली एक एग्जांपल मान लिया कि वो फिजिकल क्वांटिटी है पी। तो वो जो पी है उसमें देखिएगा यहाँ पे चार चीज़ें इंक्लूड हैं, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है वो चार क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, ए बी सी और डी। देखिएगा अगर आप यहाँ पे पी को समझना चाहें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पी कोई फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो पी है, चलिए ये मेरे पास वेलोसिटी होगा। अगर पी को एक मिनट के लिए आप अगर वेलोसिटी मान के चलो, फॉर एग्जांपल बस आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, जस्ट आपको समझाने के लिए, अगर मैं पी को वेलोसिटी मानूं तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा। आप सभी बोल देंगे सर वेलोसिटी का फार्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो पी है वो तो वेलोसिटी है, और ये ए है ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये सी है मान लीजिए ये हमारे पास टाइम है। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो मैंने मान लिया कि वेलोसिटी को तो मैंने डिनोट कर दिया पी से, और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर दिया मैंने ए से, और टाइम को डिनोट कर दिया मान लीजिए बी से। तो ये हमारे पास एक ऐसी फॉर्म बन गई ना। लेकिन एक्चुअली मैं जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, वेलोसिटी तो यहाँ पे बस दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, यानी कि इसी तरीके से पी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जो चार फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए, वो ए बी सी और डी कोई भी फोर क्वांटिटीज हो सकती हैं, वो हमें नहीं पता कि वो कौन सी हैं, और ना ही ये पता कि पी वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट ये करना है कि बताइए जो पी है उसके अंदर कितना परसेंटेज एरर होगा। जबकि दे क्या रखा है, हमें दिया हुआ है जो ए और बी, ए बी सी डी हमारे पास ये जो चार फिजिकल क्वांटिटीज थी, इनमें एरर दे रखा है। ए में 1% एरर है, बी में 3% एरर है, सी में 4% एरर है, और डी में 2% एरर है। यानी कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है ए बी सी और डी, जब इनको मेजर किया गया तो ये पता किया गया कि इनमें कितना एरर है। तो एरर डायरेक्ट ना देके उस एरर को परसेंटेज की फॉर्म में लिख दिया गया। चलिए ये भी बात ठीक है। तो अब आपने बताना है इन चारों में परसेंटेज एरर दे रखा तो पी में क्या होगा। कई तो ये सोचेंगे इन चारों को जोड़ दो, ए बी और सी डी को जोड़ दो, 4, 4, 8 और 10% एरर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसका एक प्रॉपर मेथड है। स्टूडेंट धैर्य बनाए रखें और चलिए मेथड को समझेंगे, वो मेथड क्या है। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, जो फॉर्मूला दिया हुआ पी का उसको हम यहाँ पे साइड में एक बार लिख लेते हैं। पी का जो फॉर्मूला है उसको लिख लीजिए, पी इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वेयर रूट सी और डी। देखिएगा यहाँ पे ये जो पावर्स हैं ए बी और सी डी की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाली हैं। और उसके साथ साथ आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि परसेंटेज एरर आप तभी निकाल पाते हैं अगर आपको ध्यान हो। परसेंटेज एरर को निकालने के लिए आपको पता होगा फ्रैक्शनल एरर आपके पास होना ज़रूरी है। फ्रैक्शनल एरर हम निकालते थे जब मैंने आपको ये करवाया भी था टॉपिक, अगर आपको ध्यान हो तो, फ्रैक्शनल एरर निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सी बात है। फ्रैक्शन का मतलब एक का फ्रैक्शन क्या है, बी का फ्रैक्शन क्या है, सी का फ्रैक्शन क्या है, और डी का फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन एरर निकालते हैं तो देखिएगा सबसे पहले आपने करना क्या है, ये फार्मूला लिखा, पहला स्टेप है आपका, स्टेप बाई स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप होगा फॉर्मूला लिखना। अब जो दूसरा स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे देखिएगा मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर,
मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन, उसके बाद आप लिख देंगे पी। तो पी के अंदर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्या हो सकता है? देखिए, फ्रैक्शन का मतलब डेल्टा, एक छोटा सा टुकड़ा, किसका? पी का, डेल्टा पी बाई पी। यानी कि अगर पी का कोई फ्रैक्शन पूछे तो पी, डेल्टा का मतलब, डेल्टा पी का मतलब ये होता है काफ़ी स्मॉल, यानी कि पी का कोई छोटा सा टुकड़ा, डेल्टा पी बाई पी। तो ये फ्रैक्शनल एरर होगा पी में। उसके बाद अगला जो तरीका है वो इस फार्मूले पे आई है। बब देखिएगा, ए की पावर कितनी है? 3। जैसे डिफरेंशिएशन में हम करते हैं, पावर को आगे लेके आते हैं, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन निकालने के लिए जो भी ए की पावर है उसको आगे ले आइए। तो ए की पावर कितनी थी? 3। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे 3 को आगे ले आया, ले आए। उसके बाद क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ ए, ए का फ्रैक्शन क्या हुआ? डेल्टा ए बाई ए। देखिएगा, पावर को आगे लेके आई और ए का फ्रैक्शन निकाल लिया, ए का फ्रैक्शन मतलब डेल्टा ए, और ए से उसको कर देंगे डिवाइड। प्लस देखिएगा, ये फार्मूला बना रहे हैं हम, फार्मूला एक बार लिख लिया तो फिर ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बी की बात करते हैं, बी की पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पे 2 लिख लिया, और उसके बाद बी का फ्रैक्शन, बी का फ्रैक्शन मतलब डेल्टा बी बाई बी। प्लस यहाँ पे देखिएगा सी है, सी की पावर कितनी है? सी का अंडर रूट है, रूट का मतलब पावर कितनी होगी? 1/2। तो जो भी पावर उसको आगे ले आएंगे, भैया आप जानते हैं ये रूट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2 ही तो होती है अंडर रूट की वैल्यू। तो सी का अंडर रूट था मतलब सी की पावर 1/2 थी, तो पावर को आगे लिख लिया हमने, और फिर सी का फ्रैक्शन लिखेंगे तो डेल्टा सी बाई सी। प्लस इसी तरीके से देखिएगा, डी की बात करेंगे, डी की पावर कितनी है? 1। तो 1 को आगे लिखेंगे और लिख देंगे डेल्टा डी बाई डी। तो ये देखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला एक यहाँ पर आपका तैयार होगा। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो चलिए लिख लेंगे यहाँ पर डेल्टा पी बाई पी, तो साथ साथ चलता रहेगा 3। अब देखिएगा डेल्टा ए है, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी होगी? देखिएगा, डेल्टा ए की वैल्यू है जो ए के अंदर एरर है, ए के अंदर एरर कितना है? 1%। तो हम यहाँ पे डेल्टा ए की जगह पे लिख लेंगे 1। तो 3 था पहले, था डेल्टा ए 1/100, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं ना हम। देखिएगा डेल्टा ए कितना था? 1% था, 1% का मतलब 1/100। प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी, यानी कि डेल्टा बी क्या है? फ्रैक्शनल एरर इन बी। तो फ्रैक्शनल एरर बी के अंदर कितना है? 3% है, 3% का मतलब 3/100, ये लिख लेंगे। प्लस 1/2, डेल्टा सी बाई सी मतलब फ्रैक्शनल एरर इन सी, सी के अंदर कितना फ्रैक्शनल एरर? देखिएगा 4% है, तो 4% का मतलब 4/100। प्लस इसी तरीके से डेल्टा डी बाई डी मतलब फ्रैक्शनल एरर इन डी, वो कितना है? 4 है। तो डेल्टा डी बाई डी की जगह पे हम, पावर तो 1 थी ही आगे, और डेल्टा डी बाई डी 4% है, तो 4/100 ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिएगा, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो हम लिखेंगे डेल्टा पी बाई पी, यानी कि फ्रैक्शनल एरर इन पी। डेल्टा पी बाई पी को हम बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर इन पी। तो क्या है, इन सभी को हम सोल्व करेंगे। जब आप इन सभी को सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 3/100, ये 6/100, ये 4/200, ये 4/100। जब आप इन सभी को सोल्व करेंगे, मतलब इन सभी को जोड़ेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा? 13/100। देखिएगा, 3 और 2, 3 और 6, 9 और 4, मीन्स इन सभी को 3/100, 6/100, 4/200 और 4/100, इन सभी को जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे और जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 13/100। 13/100 का मतलब 0.13%। तो 0.13% अभी हमारे पास है फ्रैक्शनल एरर, दिस इज डेल्टा पी बाई पी मीन्स फ्रैक्शनल एरर। तो अब जब परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे, तो परसेंटेज एरर का सभी आप जानते हैं, परसेंटेज एरर निकालना हो तो क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फ्रैक्शनल एरर होगा
उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शनल एरर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो कर दीजिएगा मल्टीप्लाई 0.13 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आएगा यहाँ पर 13%। इसका मतलब पी के अंदर जो एरर होगा वो हमारा होगा 13%। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हुई होगी, चीज़ समझ में आई होगी। तो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, परसेंटेज एरर पूछा जाता है आपसे। वो देगा कि आपको कोई भी फॉर्मूला दे देगा, कोई भी फॉर्मूला दे देगा, उसमें जो भी क्वांटिटी होगी उनमें एरर बता देगा और पूछेगा बताओ टोटल क्या हुआ। तो टोटल मतलब आपने जोड़ना नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर फाइंड आउट कीजिए, तरीका ये है जो भी पावर उसको आगे ले आइए और जो भी बाकी बचा क्वांटिटीज उनमें फ्रैक्शनल एरर फाइंड आउट कर लीजिए, सभी को जोड़ दीजिए और फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपका अपना चैनल है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।